हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि IBO3 से रिलेटेड है, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वर्ल्ड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब का क्या एक रोल रहता है? इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो है अपना रोल प्ले करती हैं वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने में, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली MCOM के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली हमारे चैनल को सर्च करना है यूट्यूब में। सर्च करने के बाद अब जब आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है इग्नू MCOM वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा, जिसको ज्वाइन जब आप बटन को दबाओगे तो आपको जो नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे यहाँ पे नीचे आपको आना है। यहाँ देखो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो एंड यू कैन आस्क अस एनीथिंग। जो भी आपको चीजें पूछनी है, जाननी है, वो सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। जो भी असाइनमेंट्स आपको बनाने हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसी भी पेपर के, वो सारे के सारे असाइनमेंट के सॉल्व आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको 1 रुपए भी उसका चार्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स परचेस करते हैं हमारे पास से, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही डिमांडिंग नोट्स होते हैं, काफी सारे लोगों ने हम लोगों से परचेस करा हुआ है, जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे बाई कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट व्हेनेवर यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान व्हिच इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर बीकॉम एंड एमकॉम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे हमारा एक प्लेलिस्ट का सेक्शन है जिसको हम इग्नू MCOM बोलते हैं। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा प्लेलिस्ट पूरा का पूरा खुल जाएगा, जहाँ पे IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोज है, ढेर सारी वीडियोज है, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वर्ल्ड ट्रेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Now, there are few international organizations such as World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank, United Nations Conference on Trade and Development, जिसे UNCTAD बुलाया जाता है, Asian Development Bank, Economic and Social Commission for Asia and Pacific, United Nations Industrial Development Organization, Food and Agriculture Organization, ये सारे के सारे organizations हैं। जैसे कि यहाँ पे OPEC का नाम बोला गया, Organization of Petroleum Exporting Countries, है ना, Organization for Economic Cooperation and Development, जिसे OECD बोलते हैं, International Chamber of Commerce, the Commonwealth, ETC, which are directly or indirectly concerned in the promotion of world trade. अब ये जो सारे organizations के नाम मैंने बताया हैं, ये directly या फिर indirectly promotion of world trade को बढ़ावा देते हैं, world trade को promote करते हैं international level पे कि आप ज्यादा से ज्यादा world trade करो, जिससे जिस country की जो भी requirements हैं उसको पूरा किया जा सके और अच्छे दामों पे पूरा किया जा सके, है ना। Apart from international organizations, there are a large number of regional economic groups which are making efforts in the promotion of regional as well as world trade. तो ये तो देखो जो international organizations हो गई वो हो गई, इसके अलावा जो regional groups होते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा role play करते हैं international trade को बढ़ावा देने में। कुछ international जो कुछ regional जो groups हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ, जैसे कि European Union है, जो कि European Union की बात करता है, North America Free Trade Area है, जैसे NAFTA कहते हैं, NAFTA, Association of Southeast Asian Nations है ना, जिसे आशियान बोला जाता है, South Asian Association of Regional Cooperation, जिसे शार्क बोला जाता है। ये कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि साथ में मिलकर के वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट करती हैं, काम जो है करते हैं, है ना। Among the World Trade Organization is the international organizations dealing with the global rules of the trade between nations. तो WTO जो होता है वो एक तरीके से major organization है, जो कि बहुत बड़ा role play करता है nations के बीच में trade को बढ़ावा देने में, है ना। It came into existence in 1995. आपको पता है कि World Trade Organization जो है WTO 1995 में स्टार्ट हुआ, उसके पहले जो संस्था काम कर रही थी उसे हम GATT कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि काम करती थी एक तरीके से ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड को एस्टैब्लिश करने की बात की जाती है, तो उस टाइम पे सहमति ठीक से नहीं बन पाने के कारण GATT का निर्माण होता है, GATT के ऊपर काम होता है। बट 1995 में जाकर के WTO स्टार्ट होता है, जो कि सक्सेसर होता है किसका,
गैट का, है ना। WTO इज अ सक्सेसर ऑफ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड सॉरी, एस्टैब्लिश्ड इन द वेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, गैट एंड द WTO हैव हेल्प्ड टू क्रिएट अ स्ट्रांग एंड प्रॉस्परस ट्रेडिंग सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग टू द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, है ना। तो गैट और WTO ने मिल करके एक तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ लेकर के आया है वर्ल्ड ट्रेड में, जिसके कारण से बहुत सारी कंट्रीज को फायदा हुआ है और एक प्रॉस्परस ट्रेडिंग सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्रिएट हो पाया है। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली, फ्रीली, फेयरली एंड प्रिडिक्टिवली, दिस इज अचीव्ड बाय, है ना। तो इनका जो मेन काम होता है, WTO का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू किसी तरीके से जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको बहुत ही स्मूथली चलाया जा सके, बहुत ही फ्रीली चलाया जा सके, बहुत ही फेयरली और प्रिडिक्टिवली चलाया जा सके। ऐसा ना हो कि भाई फ्रीली आप काम नहीं कर पा रहे हो, किसी किसी के ऊपर एक तरीके से बैन लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। तो WTO हमेशा इनकरेज करता है लोगों को, आई मीन कंट्रीज को, और एक तरीके से रूल्स भी ऐसे बनाता है जिससे आप इनकरेज हो पाओ और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके उससे, है ना। अब इसको अचीव करने के लिए इन लोगों ने कुछ कुछ चीजें जो है अपनाई है, मैं उनको भी एक एक करके आपको बता देता हूँ जी। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना। तो बहुत तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं WTO की देखरेख में बनाए गए हैं बिटवीन द कंट्रीज, जो कि आपस में ट्रेड करती हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम आपसे इतने का ट्रेड करेंगे, इस करेंसी में करेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा पॉइंट है एक्टिंग एज ए फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। अब आपको अगर किसी कंट्री के साथ नेगोशिएशन करना है ट्रेड को लेकर के, आपको दिक्कत हो रही है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने इशू को एक तरीके से WTO के पास लेकर के जा सकते हो, जो कि एज ए फोरम काम करेगा ताकि आपके ट्रेड नेगोशिएशन जो है वो बहुत ही आसानी से हो सके, है ना। तीसरा पॉइंट है सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। इसका काम जो है ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम जो है वो भी WTO करती है। चौथा पॉइंट है रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। तो जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज होती हैं फॉर अ कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज, उनके ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करना कि क्या सही है, क्या गलत है, कहां पे इंप्रूवमेंट की कितनी जरूरत है, ये सारी चीजें जो है WTO यहां पे करती है। पांचवा नंबर पॉइंट है असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्रेड पॉलिसी इश्यूज थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है ना। तो यहाँ पे जो है डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करना ट्रेड पॉलिसी बनाने में, उनके इश्यूज जो भी हैं उनको एक तरीके से ठीक करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, ताकि वो ठीक तरीके से अपना ट्रेड पॉलिसीज तैयार कर सके और इंटरनेशनल ट्रेड को किसी तरीके से बढ़ावा मिल पाए, इसके लिए WTO जो है ये सारे के सारे काम को करती है। छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है कि कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आशियान, अंकटाड, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि जिनके अपने अपने रूल्स हैं, तो उनके साथ मिल करके कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट तैयार करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने का काम जो है वो भी WTO करती है। The WTO has more than 130 members as of now. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि WTO के कितने members हैं, है ना। ये बुक काफी पुराना है तो उसमें उस वक्त तक WTO के 130 member थे, टोटल 206 कंट्रीज में 130 members थे, accounting for over 90% of the वर्ल्ड ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें 90% हिस्सा जो है ये इन 130 देशों का है। ओवर 30 अदर्स आर नेगोशिएटिंग मेंबरशिप। इसके अलावा 130 मेंबर्स हैं प्लस 30 जो है मेंबरशिप पाने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं WTO के साथ। तो एट प्रेजेंट WTO में कितने मेंबर्स हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, ताकि मुझे भी एग्जैक्ट फिगर पता चल पाए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे मैंने आपको अच्छे तरीके से रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वर्ल्ड ट्रेड बताया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। मेंबरशिप प्लान लेने के लिए मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप मेंबरशिप प्लान लीजिए, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको जिस तरह की भी क्वेश्चन की जरूरत होगी, जिस तरह का भी आपको हेल्प चाहिए होगा वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आप चाहें तो आप भी इस एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान का आप हिस्सा बन सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फी, और बस मैं यही चाहता हूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।